पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनने से जहां लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं इतनी बड़ी जीत से उत्साहित संबल में लोगों ने मंदिर में जागरण कराने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन कराया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि देश में एनडीए सरकार के प्रचंड बहुमत से आने की खुशी में पूरा देश झूम रहा है। वहीं संबल जिले में भी लोगों ने जीत का अनोखा जश्न मनाया। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने 6 माह पहले प्रार्थना की थी कि केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बनने की खुशी में संबल शहर के श्री बालाजी मंदिर में विशाल जागरण और भंडारे कराएंगे। इसी उपलक्ष्य में बीजेपी की जीत पर लोगों ने रात्रि को जागरण कराया, जिसमें मोदी जी के अपर भक्ति गीत गाए गए। पूरी रात हुए जागरण के बाद सुबह हवन पूजन करने के उपरांत भंडारा कराया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। प्रार्थना की थी कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम 6 महीने से पहले से हमने प्रार्थना की हुई थी कि हम जागरण और भंडारा दोनों कराएंगे। उसके उपलक्ष्य में ही हमने ये जागरण और भंडारा रखा है, जिसके आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छे से हो रहा है और सब लोग खुश है ये सब चीज़ करके। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों के द्वारा मन्नत मांगी गई थी कि मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार भारत में स्थापित होगी, तो इस मंदिर में हम लोग जागरण और भंडारा करेंगे। जितना हजारों भक्तों ने यहाँ जागरण में रात्रि भर मोदी जी के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए और जागरण में कीर्तन किया और आज हजारों भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और भारत में इस प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी पुनः स्थापित रहे, ऐसी कामना हम भविष्य के लिए भी करते हैं। इस कामना के साथ ये जागरण कीर्तन व भंडारे का प्रसाद का वितरण हो रहा है। हजारों भक्त यहाँ देश विदेश से आए हुए हैं और संभल में बालाजी मंदिर पर स्थित इस कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने भाग लिया।